अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हाशमी पेट नीड्स द कंप्लीट पेट शॉप। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांडेड पेट फूड्स एंड एक्सेसरीज लाइक रोल्स, रॉयल कैनिन, विस्कास, पेडिग्री एंड मेनी मोर लीडिंग ब्रांड्स। हाशमी पेट नीड्स बिसाइड हाशमी ब्रदर्स मेगा सुपर मार्केट न्यूटाउन महबूब नगर। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स अपोजिट चाचा बुट्टा मस्जिद महबूब नगर। महबूब नगर में मुख्तलिफ अवामी तंजीमों की जानिब से विजन गार्डन फंक्शन हॉल में एक अजलास मुनक्किद किया गया। इस अजलास में हनीफ अहमद, रहमान सोफी, शेख सिराजुद्दीन, शेख फारूक हुसैन, शेख अब्दुल्ला, बाबर शेख, खालिद नवेद, सलीम एडवोकेट, गोपाल, खलील अहमद, नूरुल हुसैन दिगरों ने शिरकत की। इस अजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जात पात और मजहबी खतूत पर हिंदुस्तान की तकसीम की जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी की जानिब से मुल्क को मुतहिदा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया गया है जो महबूब नगर में दाखिल होने वाला है, जिस यात्रा की तायद करने का फैसला लिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए ही इस राउंड मेज अजलास मुनक़द किया गया है। దాదాపు 137 మరి ప్రజా సంఘాలను సివిల్ సొసైటీస్ను ఏకం చేసి మరి ఈ నఫర చోడో భారత్ జోడో యాత్రకు ఆయన మద్దతు తెలపడం జరుగుతున్నది। ఎన్నికలప్పుడు ఎన్నికల రాజకీయాల్లో అది వేరే సంగతి, ఇప్పుడు మాత్రం ఈ దేశాన్ని మరి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। ఆ క్రమంలోనే మరి ఈ ప్రతిపక్షాలు కూడా ఏదైతే ప్రజాసంఘం గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుందో, ఏదైతే సెక్యులర్ విధానాల గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుందో, ఆ పార్టీలు కూడా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, లేదంటే వాళ్ళు కూడా చరిత్రలో చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది, అది గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంది। అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అయినా సరే, మరి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు అయినా సరే, జాతీయ పార్టీలు అయినా సరే, అన్ని పార్టీలు మరి ఈరోజు మరి విద్వేషాన్ని ఆపుదాం, దేశ సమైక్యత కోసం పాటుపడదామనే ఒక నినాదం పైన అందరం కలిసి కట్టుగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా। साहब आज अपने एजेंडी पे जो एजेंडा लेके आ जाए हैं, तो भारत में बहुत सारे तबकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, गरीब है, कमज़ोर तबका है, माइनॉरिटीज है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं एक ही बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ऑल पार्टीज, बहुत से पार्टीज है अपने भारत में, इंडिया में, कि अब की बात क्या है, हर एक का एजेंडा जो ये मैनिफेस्टो जो तैयार होता है, तो मैनिफेस्टो में तमाम तबका को लेकर चलने वाले हैं, नहीं चलने वाले हैं, ये जो मैनिफेस्टो में देख के उनका साथ, अगर तमाम तबका की तमाम तबका को साथ देने वाली पार्टी का अगर साथ दिए, तो मैं समझता हूँ अब जो मुतहद तौर पर हमारा हिंदुस्तान ऐसी बात रहेगा, अगर नहीं तो फिर आगे मुश्किल होंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात बताऊँगा। स्टेट में फेडरल नेशनल कांग्रेस काम कर रही, तेलंगाना में जो है बट दूसरे स्टेट्स को काम कर रही। अभी सबसे चीज़ें सुनने को मिलेगी, पहले खास बात यह है कि सबसे खास बात दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है उसको जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, इस पर हमारे को ज़्यादा जैसे ध्यान देना है, ज़्यादा इसके पीछे जो दिमाग लगाना है, और दूसरी चीज़ अवेयरनेस पैदा करना है। अवेयरनेस के वास्ते और इसको रोकने के वास्ते हमको यानी SC ST माइनॉरिटीज सब तरह से मिल के एकजुट होना है। इस वास्ते हायर एजुकेशन संबंधी बीजेपी प्रभुत्म केंद्र
ప్రతి సంవత్సరానికి నిధులు తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది. ఆ నిధులను పెంచాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు ఈ రోజు వరకు కొంత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ముందుకోవాలంటే ఆ నిధులు పెంచారు. మరి ఆ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన నిధులను తగ్గించుకుంటుంది కాబట్టి మనం ఈ బడ్జెట్ పార్టిసిపేట్ కరెంగ మెమోరాండమ్ ప్రకారంగా उससे कुछ पॉइंट जो है ना हमारे सदर साहब के पास भी हैं और हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मौका भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट गोपालाना ने वो भी रखेंगे आपके सामने. तो हम पूरी तरह से इंशाल्लाह प्रोग्राम में रहेंगे उस दिन और हमारा पूरा पार्टिसिपेशन है और हम भी कुछ पॉइंट्स प्रेजेंटेशन के लिए वो इंशाल्लाह हाजी सलीम साहब के सामने रखेंगे. तो हम बात करें पूरे तंजीमें जितने भी हैं हम पूरी तरह से इस प्रोग्राम में. अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएँ. और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें.